हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं आपको आज स्किन शाइन क्रीम विथ फेयर लवली, दोस्तों इन दोनों की जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों दोस्तों खास करके लोग गोरा फेस गोरा करने के लिए दोस्तों स्किन शाइन और फेयर लवली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं दोस्तों। तो इसकी क्या सच्चाई है, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ मैं दोस्तों आपको। दोस्तों जैसा कि स्किन शाइन क्रीम मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती है दोस्तों, और जिसकी प्राइस कुछ समथिंग 80 रुपये या 90 रुपये में मिल जाती है, 15 ग्राम की है, और ये कोई भी मेडिकल या फिर ऑनलाइन भी मिल जाती है दोस्तों। ये बड़ी आसानी से मिल जाती है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रीम है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये सबसे घटिया क्रीम है, सबसे बकवास क्रीम है दोस्तों। ये फेस को गोरा बनाने के लिए नहीं है, ये फेस की धज्जियाँ उड़ाने के लिए दोस्तों। देखिए जो कोई भी इसका इस्तेमाल करते होंगे तो प्लीज़ इस क्रीम को लगाना बंद कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्रीम बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही डेंजरस है दोस्तों। इसकी लगाने की एक ट्रिक है दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। एक कैडिला कंपनी की स्किन शाइन क्रीम है दोस्तों। अगर आपको वाकई में स्किन फेयर करने के लिए अगर आपको यूज़ करने का दोस्तों, तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों। अगर आपका बहुत ज़्यादा फेस डल है, काला है, दाग धब्बे है, पिंपल्स एक्ने वगैरह है दोस्तों, तो ये उस कंडीशन के लिए नहीं है दोस्तों। ये कुछ कंडीशन के लिए बनाई गई है दोस्तों क्रीम, जैसे मिलाजमा हुआ या स्किन के ऊपर कुछ जले हुए निशान वगैरह के लिए ये क्रीम बनाई गई है दोस्तों। तो ये फेयरनेस की क्रीम नहीं है दोस्तों। बट अगर ऐसा आप उसको फेयरनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो दोस्तों, तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों। तो उसको दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत अगर स्किन टोन अच्छा करना है दोस्तों, तो इसको जो लगाने का एक ट्रिक है, इसको क्या करना है दोस्तों, रात में आपको थोड़ा सा क्रीम लेना है दोस्तों, थोड़ा सा नॉर्मल लेना है और फेस के ऊपर अप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है। फेस के ऊपर अप्लाई करना है दोस्तों, और एक दो दिन या 4-5 दिन के अंदर अगर आपका फेस थोड़ा अच्छा दिखने लगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, बाहर निकलने से पहले दोस्तों फेयर लवली ये क्रीम आपको अच्छी तरह से ऊपर फेस के ऊपर लगाना है दोस्तों। फेयर लवली क्रीम को ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएं दोस्तों, और जितना हो सके उतना धूप से बचने की कोशिश कीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप ये क्रीम लगाते हो दोस्तों, इसका प्रयोग करते हो, और अगर धूप आपके फेस के ऊपर पड़ती है दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल नुकसान हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये दोस्तों धूप के अंदर ये क्रीम फेस को टमाटर के जैसा लाल कर देता है दोस्तों। इसके नुकसान काफ़ी, इसको छोड़ने के बाद भी दोस्तों ये बहुत ही भयानक नुकसान हो जाते हैं दोस्तों। इससे चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, बहुत ज़्यादा काला पड़ जाता है दोस्तों, और बालों की ग्रोथ होती है, अनवांटेड हेयरों की ग्रोथ होती है फेस के ऊपर, और बहुत ज़्यादा काले दाग धब्बे आना शुरू हो जाते हैं इसको छोड़ने के बाद दोस्तों। तो दोस्तों इसकी एक ही ट्रिक है, अगर आपको इसको लगाना है 2-4 दिन इसको पहले अच्छी तरह से लगातार इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद धीरे 1 या 2 दिन के बाद आप इसका इस्तेमाल करो दोस्तों। रेगुलर नहीं लगाना है दोस्तों। जो भी हजरात इसको या जो भी फर्द इसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे देखना ये स्किन की जो कंडीशन है दोस्तों, बहुत ही बेकार कर देता है, बहुत ही धीरे धीरे फेस को बहुत ज़्यादा पतला कर देता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये नुकसान देता क्रीम है दोस्तों, बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही ख़राब क्रीम है दोस्तों। इसके अंदर देखिए सभी पूरे केमिकल जो भी इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, ये क्लियरली इसके ऊपर ही इन्होंने बताई हुई है दोस्तों। इसमें हाइड्रोक्विनोन है, ट्रेटिनोनियम वगैरह, बहुत मेटासोन वगैरह, बहुत खतरनाक केमिकल है दोस्तों, ये बहुत ही हानिकारक है। तो बिल्कुल भी दोस्तों इसका ये आप स्किन को फेयर करने के लिए ना लगाइए दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगाना है फेयरनेस के लिए, तो दोस्तों मैं आपको ये जो ट्रिक बताया हूँ उसी तरह से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आपको फेस रोज़ाना 2-4 दिन तक का लगातार लगाना है, फिर उसके बाद थोड़ा फेस अच्छा गोरा दिखे, फिर उसके बाद बंद कर देना दोस्तों, फिर उसको 1 या 2 दिन के बाद यूज़ करना है दोस्तों। और ये जो फेयर लवली क्रीम है, इससे कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। इसको मर्द भी लगा सकते हैं और औरतें भी लगा सकती है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी क्रीम है, बहुत ज़्यादा बिकने वाली फेयर लवली क्रीम है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा चलती है, इसके ऐड भी बहुत ज़्यादा टीवी के ऊपर दिखाई देती है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा ये आपको बड़े आसानी से किराना शॉप या मेडिकल के ऊपर बड़े आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। ये जो मेरे हाथ में ये 10 रुपये का पाउच है, इसमें समथिंग बहुत सारी आती है, बहुत अलग अलग नाम से आती है, फेयर लवली ग्लो, फेयर बहुत बहुत ज़्यादा इसके अंदर फेयर लवली एडवांस वगैरह बहुत नामों से क्रीम आती है दोस्तों।
ये क्रीम अच्छी है, ये इसको आप लगा सकते हो, ये इसको जो ड्राई स्किन वगैरह है, जिसकी ड्राई स्किन है, तो ये क्रीम ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है दोस्तों, जिसकी ऑयली स्किन वगैरह रहती है या फिर बहुत ज़्यादा दाग वगैरह है या फिर, तो उस कंडीशन में इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये रेगुलर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये अच्छी है, इससे कोई नुकसान वगैरह नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है दोस्तों। तो आपको जो स्किन शाइन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये क्रीम लगाना है, जितना हो सके आप बाहर जाने से पहले फेस के ऊपर ये लगाएं, ये क्रीम अप्लाई करें दोस्तों, ज़्यादातर इस क्रीम को फेस के ऊपर लगाएं ताकि आपका चेहरा ख़राब होने से बचे दोस्तों। और दोस्तों ये जो क्रीम है, ये स्किन शाइन क्रीम डॉक्टर की सलाह से दिए जाने वाली क्रीम है दोस्तों, जो मेलास्मा वगैरह ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, या कुछ जले हुए निशान जो रहते हैं दोस्तों, ये पूरे फेस के ऊपर नहीं लगा सकते क्रीम को दोस्तों, कुछ पर्टिकुलर जगह के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। लेकिन इसको बहुत सारे लोग स्किन फेयर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, बट ये स्किन फेयर करने की क्रीम नहीं है दोस्तों, तो प्लीज़ बंद कर दीजिए दोस्तों। और मैंने जिस तरह से इस वीडियो में बताया कि उसकी ट्रिक है दोस्तों, तो उसको आप उस ट्रिक के थ्रू आप इस मैंने जिस तरह से बताया उस तरह आप उसका इस्तेमाल कीजिए, तो आपको ये स्किन टोन थोड़ा अच्छा कर देगा, बट दोस्तों इसको छोड़ने के बाद आपको नुकसान हो सकते हैं, तो बट मैं तो यही बताऊंगा दोस्तों कि आप बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो क्रीम है दोस्तों ये फेस की धज्जियाँ उड़ा देता है दोस्तों, ये क्रीम बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही ख़राब क्रीम है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों एक और एक क्रीम आता है दोस्तों, जिसका नाम है मेलामिट करके, वो समथिंग कुछ 80 रुपये के आसपास मिलता है दोस्तों, लेकिन चेहरे को एकदम जला देता है दोस्तों, फेस को पूरी तरह से ख़राब कर देता है दोस्तों। ये बहुत सारे केमिकल के जो स्टेरॉइड क्रीम है, बिल्कुल भी ना लगाए दोस्तों, ये क्रीम सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए रहते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल भी ना यूज़ कीजिए दोस्तों, ये क्रीम चेहरों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए है दोस्तों। अगर आपको स्किन फेयर करने का है दोस्तों, स्किन को ग्लो कराने का है, स्किन टोन अच्छा करने का है दोस्तों, तो आप डॉक्टर से ही पूरी जानकारी लीजिए दोस्तों, आपको डॉक्टर ही एक अच्छा जो भी है सप्लीमेंट वगैरह या फिर फेस केयर जो भी प्रोडक्ट्स है वो आपको ज़रूर देंगे दोस्तों, वो आपको सजेस्ट करेंगे, डॉक्टर ही आपको पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। फालतू की ऐसी कोई भी वीडियो देख के ना प्लीज़ क्रीम वगैरह लगाइए दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए ना जाने कैसे कैसे वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों, जो बाद में इसके नुकसानदायक पड़ रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूब के ऊपर देखकर कोई भी क्रीम उठा रहे हैं, फेस को लगा ले रहे हैं, बाद में चेहरा ख़राब कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना कीजिए, आपको एक डॉक्टर ही पूरी सही जानकारी दे सकता है दोस्तों। आजकल लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, और फेसबुक के ऊपर और तुमको बताओ यूट्यूब वगैरह के ऊपर ऐसी वीडियो जो फेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों, बहुत सारी क्रीम्स की वीडियो मिल जाएंगी जिसके अंदर बता रहे हैं दोस्तों रातों रात गोरा बन जाइए, एक दिन में गोरा बन जाइए, 2 दिन में गोरा बन जाइए, तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना, होता भी है दोस्तों तो बहुत ही नुकसानदायक होता है, फिर उसके बहुत नुकसान उठाना पड़ते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ मैं आपको यही बताऊंगा कि प्लीज़ ऐसी कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल ना कीजिए दोस्तों, आप अपने अच्छे डॉक्टर से मिलिए, आप स्किन के डॉक्टर के पास जाइए, आपकी जो भी समस्या, अगर आपको दांत धब्बे मलाजमा या फिर कोई भी फेस से रिलेटेड या खुजली इन्फेक्शन वगैरह से जो भी कंडीशन हो दोस्तों, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको डॉक्टर ही सही जानकारी देगा, डॉक्टर ही आपका सही ट्रीटमेंट करेगा दोस्तों। ये सब बिल्कुल भी मार्केट की कोई भी क्रीम यूज़ ना कीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फेयर लवली अच्छा है, आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, इसको दोनों लेडीज़ भी और जेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, इससे कोई ये जो फेयर लवली क्रीम है इससे कोई नुकसान वगैरह नहीं है, ये अच्छी है और ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रह चुकी है और रह रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसको लोग अभी भी परचेज करते हैं। देखिए मैं तो कहता हूँ दोस्तों ये इंडिया की नंबर वन क्रीम है दोस्तों, फेयर लवली ये जो क्रीम है इंडिया की नंबर वन क्रीम है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा बिकती है दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरा हौसला अफजाई बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, धन्यवाद।